यदि कोई इंसान पूरे भारत की सैर पर निकले तो उसे न जाने कितने ही राज हासिल होंगे जो बेहद हैरान करने वाले हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक 29 राज्यों से बना ये भारत प्रत्येक क्षेत्र में एक दिलचस्प कहानियां छुपाए बैठा है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले की। यूं तो धरातल दृष्टि के आधार पर स्वयं राजस्थान ही काफी विशाल है, परंतु उससे भी कहीं ज्यादा विस्तृत है इस राज्य का इतिहास। एक ऐसा इतिहास जो पथ पथ पर हीरे जवाहरात जैसे आकर्षक इतिहास से जुड़ा हुआ है। चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदू सभ्यता के अनुसार विभाजित किए गए चार युगों में से चित्तौड़गढ़ किला द्वापर युग से भी संबंध रखता है। दरअसल इसकी संरचना ही द्वापर युग में हुई थी। इसका अर्थ है कि ये किला महज कुछ सौ साल पुराना नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। भारत के सबसे बड़े किले में पहले स्थान पर चित्तौड़गढ़ किले का नाम ही आता है। इस किले में राजस्थान के माटी के लाल महाराणा प्रताप और दिल्ली के बादशाह अकबर के बीच भीषण युद्ध हुआ था जो कई महीनों तक चला, परंतु बाद में महाराणा प्रताप को वहां की जनता के लिए चित्तौड़गढ़ का किला छोड़कर वर्षों तक जंगलों और पहाड़ों में विस्थापित जीवन जीना पड़ा। ये किला इतना विशाल है कि इसके भीतर ही बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिर हैं। इस महल को जो भी देखने आता है वो इसकी रचना को देख अचंभित हो जाता है। हर किसी के मन में यही सवाल आता है कि इतने बड़े महल को बनाने में कितने सालों का समय लगा होगा। कुछ लोग अनुमान भी लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इतिहास की माने तो ये महल सिर्फ एक रात में बना है। जी हाँ, इस महल को बनाने के लिए पूरे दिन का भी इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि इसे एक ही रात में खड़ा कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे, सालों पहले जब भारत में कोई खास तकनीक मौजूद नहीं थी और सभी काम हाथों से किए जाते थे, मशीनी युग से दूर दूर तक हमारा कोई नाता भी नहीं था, तो उस समय कैसे एक ही रात में इतने बड़े महल को बना दिया गया। लेकिन सत्य यही है कि सिर्फ एक ही रात में इस महल को बनाया गया है। यकीन नहीं होता तो द्वापर युग की एक कथा जान लीजिए, आप समझ जाएंगे। ऐसी जनश्रुतियां प्रचलित हैं कि पांडवों के दूसरे भाई भीम ने करीब 5000 साल पहले चित्तौड़गढ़ का किला बनाया था। पांच पांडु भाइयों में से सबसे बलशाली राजकुमार भीम की ताकत को हजारों हाथियों के समान माना जाता था। स्वयं भीम शब्द का अर्थ भी सबसे विशाल होता है, तो अपने विशालकाय संदर्भ की तरह ही भीम द्वारा एक विशाल दुर्ग तैयार किया गया था। इस लोक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार भीम जब संपत्ति की खोज में निकले तो उनके रास्ते में एक योगी निर्भयनाथ और एक यति कुकड़ेश्वर से भेंट होती है। भीम को ये ज्ञात होता है कि इस योगी के पास एक पारस पत्थर है और अगर वो भीम को मिल जाए तो उनकी खोज यहीं समाप्त हो सकती है। परिणाम स्वरूप भीम ने योगी से पत्थर मांगा, जिसके बाद योगी पत्थर देने के लिए मान भी गया, परंतु उसने एक शर्त रखी। योगी के लिए वो पत्थर बेहद ही प्रिय था और वो आसानी से इस पत्थर को खुद से दूर नहीं कर सकता था। इसलिए उसने भीम के सामने एक शर्त रखी थी। पारस पत्थर दे देने का वादा करते हुए योगी ने भीम से कहा, मैं जिस पहाड़ी पर रह रहा हूँ, अगर तुम उस पर रातों रात मेरे रहने लायक एक विशाल दुर्ग का निर्माण कर दो तो मैं खुशी खुशी तुम्हें पारस पत्थर सौंप दूंगा। योगी की ये शर्त सुन भीम एक पल के लिए तो दुविधा में पड़ गए, क्योंकि सिर्फ एक ही रात के समय में इतना बड़ा किला बनाना असंभव था। लेकिन फिर भी भीम ने योगी की शर्त स्वीकार की और अपने अन्य चार भाइयों की सहायता से किला बनाना शुरू कर दिया। पांचों भाई काम पर लग गए और एक एक करके चित्तौड़गढ़ किले को आधार देना शुरू कर दिया। कार्यों के प्रति पांडवों की कुशलता देख योगी भी अचंभे में पड़ गया कि इतनी तेजी से किले का काम पूरा हो रहा है। राजकुमार भीम और अन्य चारों राजकुमारों द्वारा दुर्ग का कार्य करीब करीब समाप्त हो गया था। केवल दक्षिणी हिस्से का थोड़ा सा कार्य ही बचा था कि योगी की चिंताएं बढ़ गई और उसने योजना बनाई। वायदे के मुताबिक योगी ने पारस पत्थर देने के लिए हाँ तो कर दी थी, परंतु उसका मन वो पत्थर देने को राजी नहीं था। वो जानता था कि अगर सूर्य उदय होने तक पांडव यूं ही कार्य करते रहे तो जल्द ही दुर्ग तैयार हो जाएगा और उसे भीम को पारस पत्थर देना ही पड़ेगा। इसलिए उसने कपट की सहायता ली और यति से मुर्गे की आवाज में बांग देने को कहा। उस समय मुर्गे की बांग से ही सवेरा होने का पता लगता था, इसीलिए अगर मुर्गा बांग देता तो भीम सवेरा समझकर निर्माण कार्य बंद कर देते और योगी को पारस पत्थर देने की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार से योगी दोनों रूप से सफल हो जाता। यति ने ठीक उसी तरह से मुर्गे की आवाज में बांग दे दी। मुर्गे की बांग सुनते ही भीम को क्रोध आया। खुद को कार्य में असफल होता देख भीम बेहद हताश हो गए और उनके गुस्से का ज्वालामुखी फूट गया। तभी उन्होंने क्रोध से ताकत लगाते हुए अपनी एक लात जमीन पर दे मारी। भीम की ताकत से उस पहाड़ी का वो हिस्सा जोर से हिल गया जहां भीम ने लात मारी और उस जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, जिसे आज के समय में भी लत तालाब के नाम से जाना जाता है।
इस जगह पर एक तालाब बना हुआ है जो चित्तौड़गढ़ किले की सुंदरता को और भी ज्यादा उभार देता है। कहते हैं कि एक स्थान है जहां पर भीम के घुटने ने विश्राम किया था, उस जगह को भीम घोड़ी कहा जाता है और जिस तालाब पर यति द्वारा मुर्गे की आवाज में बांग दी गई थी उसे कुकलेश्वर स्थान कहकर बुलाया जाता है। इस तरह से इतने विशाल महल को सिर्फ एक ही रात में, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक रात भी पूरी नहीं मिली थी, केवल इतने से समय में दुर्ग को तैयार किया गया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस दुर्ग को बाद में कई राजा महाराजाओं ने दोबारा से बनवाया, लेकिन वो कार्य सिर्फ इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ही किया गया।